दोस्तों स्वागत है सभी को एसडीएमएस हेल्प यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कैसे जो है कितना कस्टमर का सब्सिडी होल्ड हुआ है या स्टॉप हुआ है, इसको कैसे जो है हम एसडीएमएस से देख सकते हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कैसे जो है हम खुद से ये जो है देख सकते हैं। दोस्तों ज़्यादातर तो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं जो वही लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है आज आप जो है खुद से आप एसडीएमएस से इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा तो दोस्तों एक बार लाइक कर दीजिए, और पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप सभी को जैसे पता है कि आपको एसडीएमएस पे लॉगिन हो जाने के बाद रिलेशनशिप टैब पर चला आना है। यहाँ पर एक सर्च का आइकन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खोल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर तो रिलेशनशिप स्टेटस एक्टिव दोनों चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको जो है ऊपर की तरफ देख सकते हैं सब्सिडी स्टेटस होल्ड है, स्टॉप है और स्टार्ट है। तो दोस्तों मैंने होल्ड पर क्लिक कर दिया, उसके बाद गो आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी सब्सिडी होल्ड पर अभी है, जितने भी कंज्यूमर का, ठीक है, सब कंज्यूमर का लिस्ट यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ से आप खुद से देख सकते हैं कितना कंज्यूमर का होल्ड है सब्सिडी, और दोस्तों स्टॉप कितना है वो भी देखेंगे। तो सिंपली जैसे ही प्रोसेस देखा आपने कि रिलेशनशिप में आ जाइए, सर्च करिए यहाँ पर रिलेशनशिप स्टेटस को एक्टिव करिए, ओके। उसके बाद रिलेशनशिप सब स्टेटस को एक्टिव करिए, और उसके बाद सब्सिडी स्टेटस को आपने स्टॉप में बदल देना है, ठीक है। स्टॉप पर क्लिक करिए, उसके बाद गो आइकन पर क्लिक करिए। ऑटोमेटिकली जो है आपका जितना भी कंज्यूमर का सब्सिडी स्टॉप है, यहाँ पर आप उनका लिस्ट बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आप सभी का इन्फॉर्मेशन मिल गए। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात होगी अगले वीडियो।